हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आप लोगों से स्पेशली बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मुझे आंसर करने हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर मैं कई बार वीडियो में कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरी। क्या करते हैं, या अपने एक मूवी बना लेते हैं, खुद ही स्टार्ट करते हैं, खुद ही एंड कर देते हैं। ये सभी ब्लॉगर के साथ है कि ब्लॉगिंग करने वालों को चैन नहीं लगने देते हैं, और जो लोग इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं उनका कुछ भी बैक का पता नहीं होता है कि वो क्या है, क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं। मैं आज की वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दूंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। एक और बात बोलनी है, अगर दिल से कनेक्ट होते हो तो ही मुझे सपोर्ट करिएगा। बेचारी, लाचार या सिंपैथी देने के लिए मत करिएगा, क्योंकि मैं बेचारी, लाचार और वो नहीं बनना चाहती हूँ। मैं इसको बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ और हिम्मत के साथ कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बेचारी लाचार नहीं समझती, क्योंकि मैं अगर मैं बेचारी लाचार होती तो शायद ये स्टेप नहीं उठाती, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप होता है एक लड़की के लिए इतनी सारी स्ट्रगल करना, हर चीज़ फेस करना और बिल्कुल सब कुछ अकेला सब कुछ करना। तो इसी के लिए मैं इसीलिए आप लोगों से बोलूँगी, प्लीज़ मुझसे ये चीज़ मतलब ये एक दो लोग बोलते हैं, सभी नहीं बोलते, सब लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, दिल से कनेक्ट है मुझसे। एक दो लोग बोलते हैं ना तो वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, ना वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ना ही वो मेरे कुछ लगते हैं, ना कुछ करते हैं। बस वो उनको सभी यूट्यूबर्स के पास जाना है और गंदगी मचा कर आनी होती है, जैसे कि आप लोगों ने कल के कॉमेंट में ही देख लिया होगा। और आज मैं कई सारे आप लोग बोलते हैं ना मेरे से, कल की वीडियो में एक यूट्यूबर ने बोला था कि दी स्क्रीन शॉट लगाएगा रे, किसने बोला? तो स्क्रीन शॉट लगाने से कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि स्क्रीन शॉट लगाने से क्या होगा, आप देख कर क्या कर लोगी? आप लोग देख कर कुछ नहीं कर सकते ना। मैं पिन कर देती हूँ, लोग देखते हैं, खूब सुनाते हैं उन लोगों को, ये नहीं है कि सुनाते नहीं, खूब सुनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उतना शर्म नाम की चीज नहीं होती है। तो वही है, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं दूसरों को चीप है, लेकिन खुद चीप से भी बदतर है, उन पर तो चीप चीप शब्द भी सूट नहीं करता है। तो देखिए, हम अगर किसी को मैं तो सभी से बोलूंगी, अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी मत करिए। यहाँ पर चाहे उसके 10 सब्सक्राइबर है, चाहे उसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, चाहे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, चाहे उसके 15,000 सब्सक्राइबर है, सबको बराबर का हक है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हम पैसों के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो वो सरासर झूठ लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है तो उस पैसों का वो करता क्या है? YouTube से जो पैसे आते हैं तो वो करता क्या है? किसी को ना तो वो देता है, ना ही वो किसी की हेल्प कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो उस पैसों का क्या करता है? सभी लोग, आप लोग माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर सभी लोग YouTube पर पैसे के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और मैं इस बात को परफेक्ट मानती हूँ, कोई किसी रीजन से पैसा कमाना चाहता, कोई किसी रीजन के लिए पैसा कमाना चाहता, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर मैं उन लोगों को नहीं मानती जो उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे वो मेरे चैनल के लिए, चाहे वो किसी और के चैनल के लिए। पिंक डी करके, और इन लोगों में सबसे बड़ी बात होती है ये अपना रियल नाम नहीं डालेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतने गट्स नहीं होते, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने रियल नाम डालें। डीपी नहीं लगाते हैं और बाय फेस नहीं आते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बाय फेस करिए। बाकायदा अपनी एक वीडियो, मतलब अपने इंस्टाग्राम पर मुझे फोटो भेजिए कि दीदी मैं ये हूँ, मैंने आपके पे ये कमेंट करा था। लेकिन नहीं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, पीछे पीछे बोल सकते हैं। मैं इन लोगों को कुछ नहीं मानती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, एक मेरी मुझे दीदी बोलती है, या एक बहन सा रिश्ता बन गया है मेरा, निवेदिता नाम है, बहुत ही अच्छी है। उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और वो एक यूट्यूबर है लिविंग टुडे व्लॉग्स करके, जिनका कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है कमेंट, जाकर उनके चैनल को सपोर्ट करिए। सारा काम अकेले करती हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अकेले वो करती हैं। और क्योंकि देखिए, किस जरूरी नहीं है, मैं भी बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती थी ये चैनल मेरा है, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैंने बनाया है। मैं नहीं कह चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस पर आए या मेरे हस्बैंड इस पर आए, जिसका मन होता है, मेरी बेटी का मन होता है आती है, फोर्सफुली मैं नहीं लाती हूँ।
और मेरे हस्बैंड का नहीं मन होता मैं नहीं लाती हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी फोर्सफुली कोई आइए और मेरे वीडियो में करिए। चैनल मेरा है, काम मेरा है, मेरी मेहनत है यहाँ तक आने का, तो बस जबरदस्ती मैं नहीं बोलूंगी। तो इसी तरह की उनकी भी लाइफ है, उनके भी हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, वो नहीं आते। लोग उनसे भी क्वेश्चंस करते हैं, काफी सारे करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हस्बैंड आए वीडियो में, तभी वीडियो चलेगी। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो प्लीज उनके चैनल को भी जाकर देखिए। आज 12 तारीख है और आज मेरे को कोर्ट में जाना था, बट मैं कोर्ट में नहीं गई हूँ। मैं हार चुकी हूँ, हिम्मत मेरी अंदर से टूट गई है। आप लोग बोलेंगे मेरे पापा मम्मी टूट गए, नहीं, मेरे पापा मम्मी बिल्कुल नहीं टूटे हैं, वो मेरा अभी भी और हमेशा सपोर्ट करेंगे। टूटने का मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम वहाँ फेस कर रही हूँ, जो चीज़ मैं कोर्ट जाकर, आप लोगों को पता है जब मैं कोर्ट जाती हूँ मेरी बेटी की स्कूल की पढ़ाई मारी जाती है, ट्यूशन मारा जाता है, 1 से 2 दिन तक मेरा माइंड अपसेट रहता है। आज मेरे यहाँ खाना नहीं बना है, 1 हफ्ते पहले 3 तारीख को भी नहीं बना था। एक महीने में 2-2 बार कोर्ट जाना, बेटी को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है चीज़ है। हो सकता है कि आप लोग फेस करें तो समझेंगे, मेरे कई सारे लोग समझते हैं, कई सारे लोग नहीं समझते हैं। ये कर्म होते हैं ना, जैसे अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो हमारे साथ लौट कर आता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर ही नहीं, हर फील्ड में, अगर कहीं जॉब करते हो ना तो जॉब में भी लोग बोलते हैं। और मैं अभी बताती हूँ, GTV पे एक नाटक आता है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मैं यह प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उसका बताती हूँ। उसमें गुड्डन चली गई है, वहां पर अंतरा आ गई है, सभी लोगों को परेशान करती, सभी की मजबूरी का फायदा उठाती है। मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि कमजोर व्यक्ति को ही हमेशा इंसान परेशान करता है, और सच्चाई को ही परीक्षा देनी पड़ती है। देखिए, सीता थी, सीता सच्ची थी, लेकिन फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। द्रौपदी सच्ची थी, उनको फिर भी परीक्षा देनी पड़ी। मतलब कहने का मतलब यह, हमेशा जो सच होता है ना उसी को परीक्षा देनी पड़ती है, झूठ को कभी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के लंबे पर नहीं होते, जल्दी कट के गिर जाता है। तो बस यही मेरे कहने का मतलब है, मैं सच्ची हूँ, मुझे बहुत सारी परेशानी आ रही है, आई नो, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान जाऊँगी, टूट जाऊँगी, नहीं, मैं लड़ूंगी। और मैं अपने आप को बेचारी इसलिए भी नहीं मानती, क्योंकि बेचारी लोग टूट जाते हैं, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ, जो इतना बहुत बड़ा स्टेप होता है अपने लिए उठाना, इतना बड़ा स्टेप अपनी बेटी को होते हुए उठाना, बेटी को अकेले कोर्ट वगैरह सारा काम करना, आप लोगों को पता है फुल टोटली घर का काम, मार्केट का काम, छोटी मोटी चीजों का भी काम मुझे ही करना पड़ता है। ये सारी चीजों का काम करना बेचारी लोग नहीं कर पाते हैं, हिम्मत वाले होते हैं वही कर पाते हैं, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। तो प्लीज ये जो बोलने आ जाते हैं ना एक दो लोग, मत बोलिए, मुझे अपने आप को बेचारी नहीं बनाना है। अगर मैं बेचारी बनाऊंगी तो शायद मैं लड़ नहीं पाऊंगी इतनी सारी चीजों से, और इतनी सारी चीजों से हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मैं एक मेरे से कॉमेंट, एक मेरे से किसी ने पूछा था, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था, चलो छोड़िए, मुझे एक दो कमेंट की रिप्लाई करने तो मैं कर देती हूँ। लोग कितना गंदा बोलते हैं, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ अपनी वीडियो में, रिमूव कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। देखिए, पूजा कश्यप, ये ऐसी लड़कियां हैं जो औरत होकर औरत की दुश्मन बनी हुई है, डस्टबिन के पास ही रखा है, और इनके मुझे कई क्वेश्चन के भी आंसर देने, वहीं पे खाना बनाने की चीजें, डिस्कस्टिंग, तुम्हें ना रहने का सुहर, इनने लिखा है SUHUR है, और ना बोलने का, हर वक्त नाक बहती है। तो इस टाइम मेरे गले में सूजन है, लेकिन मैं भी मेडिसिन नहीं करा पा रही हूँ, कुछ रीजन है, यहाँ पर दर्द है मेरे, आप लोग को आवाज में भी कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, मुझे जुकाम नहीं है, कुछ ही प्रॉब्लम अंदर से हो गई है, अब आई डोंट नो क्या है, और बहुत टेंशन भी चल रही है लाइफ में, मैं नहीं फेस कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। और मैं, मेरे को प्लीज सिंपैथी के लिए देखना बंद करिए, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना यहाँ पर काम कर रही हूँ, उसके मुझे पेमेंट मिलती है। सेकंड, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ, जो इतनी चीजें फेस करके भी आज आप लोगों के सामने हूँ। हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, इतनी सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ कैमरे में नहीं बता सकती हूँ, कैमरे में नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ नहीं बताया है आज तक मैंने,
बहुत कुछ जो पहले मैंने बताया था, अब मैं कुछ भी उन सारी चीजों को टॉपिक नहीं लेकर आती हूँ, ना बताना चाहती हूँ मैं इन चीजों को। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ जो इतनी सारी चीजें फेस करके भी आप लोगों के सामने है। और जो डिसलाइक करते हैं ना उनके अंदर भगवान, मैं तो ये कहूंगी जो डिसलाइक करते हैं ना उनको भी भला करे, और ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना इनका भी भगवान भला करे। एक है आतिफ रहीम, ये आदमी है, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आता कौन है, डेली ही इनकी आदत है मेरी वीडियो डली नहीं और इनको फालतू में आकर मुंह चलाना। इनको गंदे लिखना नहीं आया है, गुंदे लिखा है, चलो मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, नाक तो साफ कर लिया करो। तो एक बात बोलूंगी, आप बड़े हो तो मैं आपसे रेस्पेक्ट से बोलूंगी, भैया मुझे साफ करने नहीं आती, आप मेरी पोंछने आ जाया करो, ठीक है। मंजीत कौर, इन्होंने बोला है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे कैसे पैरों से आते हैं, मेहनत करके आते हैं, हिम्मत है तो आप भी करिए, ठीक है, इनका मेरा यही जवाब है। एक है, इनने तो कल की वीडियो पे इतनी गंदगी मचाई, लगता ही नहीं था ये और आता, इतना गंदा इन्होंने, मैंने इनका कमेंट रिमूव नहीं करना चाहती थी, मैंने इनका कमेंट पिन कर दिया था, लोगों ने इनको इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, मतलब मैं कैमरे में नहीं बोल सकती, RAN बहुत ही, जो भी मन आया लोगों ने इनको सुनाया, लेकिन बंदी को इतनी शर्म नहीं आई कि एक औरत के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, और इनको जरा भी शर्म थी नहीं। इन्होंने कई यूट्यूबर्स के नाम लिए, तुमसे ज्यादा अच्छा है, तो सभी यूट्यूबर अपनी जगह पर सब अच्छी है, और सब पैसे के लिए, सब व्यूज के लिए ही कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपैथी गेन करनी है बस तुम्हें, तो तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है मैडम, मुझे इसका जवाब दे दो, कटोरा लेके बैठ जाओ और लिखो व्यूज दे दो। मैडम मेहनत करने से व्यूज आते हैं, कटोरा लेके बैठने के नहीं आते, ये हैबिट आपके अंदर होगी, आपने करी होगी इसलिए आपको पता है। रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, मेरी ना तो कोई रस्सी जली है और ना ही मेरा बल गया है। अपना घर तुमने खुद खराब कहा है, अब लोगों को सामने बेचारी बन रही, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मैं ना ही सबके सामने बेचारी बन रही हूँ, ठीक है। इनको किसी ने जवाब दिया, तेरे से तो अच्छी है, तुझे जैसे लोगों को नालायक होते हैं, तू अपनी देख गंदी गाली दी है, पहले कहती फिर चली जाती है, अपने को तो बहुत कुछ बोला है, मुझसे बोला है कि दीदी आप इनके मुंह मत लगो, ये बदतमीज लोग होते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लगा, अपनी शादी तो निभाती, उल्टा सीधा बोला है इन्होंने, हम खुद काम करते हैं, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगते। ओ माय गॉड, इसे भीख मांगना बोलते, मेहनत करने को ही भीख मांगना बोल रही है, और ये जो ये बोल रही है मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब भी ये दूसरों के किसके लिए कर रही हूँ, पैसों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, वहां पर तुम पैसे कमाने जाती हो जॉब के लिए, वहां पर अगर तुम इसी अगर तुम जॉब करती होती ना तो इतने रूडली और इतना गंदा कमेंट नहीं करती, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम घर में भी रहती होंगी। जॉब करने वाले के अंदर एक रेस्पेक्ट होती है सामने वाले के लिए, एक मैनर्स होते हैं, बोलने का तरीका होता है, एक पोलाइटनेस होती है, और इनके अंदर पोलाइटनेस तो छोड़ो, इनके अंदर मैनर्स ही नहीं है बात करने के, तो ये क्या जॉब करेंगी, और ऐसे लोग ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही करने देते हैं। लो जी वकील आ गए तुम्हारे बीच में, वकीलों को कभी तुम्हारे आसपास के लोगों से पूछो, फिर पता चलेगी इस कचरे को। ओ माय गॉड, इतना गंदा, आसपास वाले हुए या ये मैडम हुई, ये मुझे खिलाने आ रही है, नहीं आ रही ना, ये बिली इनका नाम है बलजिंदर कौर, और एक बात बता दूं, ना तो ये मुझे खिलाने आ रही ना आस पड़ोस के लोग खिलाने आ रहे, तो फिर मैं क्यों पूछूं। संदीप महेश्वरी को सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बात बोली थी, यदि हम लोग ये सोच के आगे बढ़ेंगे ना लोग क्या कहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये मैडम मेरे लिए क्या सोचती है, मेरे लिए आस पड़ोस वाले क्या सोचते हैं, यहाँ पर मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका पेमेंट मिलती है, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली 15,000 की होने वाली है, वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करती हूँ, थैंक यू सो मच। और पति सोद, इनको तो अजीब से समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या लिया, कचरे का डिब्बा कहीं कि हम खुद काम करते हैं, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगते लोगों से, यूट्यूब पर इस लेक्चर देती हो, अपना घर देखती रहती हो, ध्यान रखना, कभी गलती से वॉशरूम सेंस मत दिखा देना, वैशा कहती हो भूखी साली, चल हट सोदी, सोदी हुई औरत, इनको छोड़ी लिखना नहीं आया है। तो इस बात में बता दूं, मेरे हस्बैंड का मेरे से डाइवोर्स नहीं हुआ है मैडम जी,
और मैं तो ये बात भी बोलूंगी, कई सारी लेडीज हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड का डाइवोर्स दिया है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करूंगी। ऐसा दिन किसी के साथ ना आए कि कोई अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है किसी के साथ शादी करके फिर उसको छोड़ना, उसको क्योंकि वो हमारे घर नहीं आता, हम उसके घर पे आते हैं, ठीक है, पहले अपने घर छोड़कर आते हैं फिर घर पे फिर जाते हैं। वो लड़की ही जानती है कि वो क्या फेस करती है। फिर इन जैसी औरतें और आ जाती हैं मुंह चलाने के लिए, जले पर नमक डालने के लिए। ऐसी औरतों को तो भगवान इस दुनिया में इंसान का रूप ना दे। और जानवर जानवर बनने लायक भी नहीं होती। कहती है कुत्ता, तो कुत्ता बहुत ही ज्यादा वफादार होता है, मैडम उसकी कैटेगरी में भी आप नहीं आती हो। हमारे घर बिटिया ऐसे घर छोड़कर नहीं आती, बैठी अपनी शादी को निभाती है, तुम जैसे नहीं जीते लगते पति, जाने क्या उल्टा सीधा उन्होंने बोला है। और ये बहुत ही ज्यादा वाहियात मेरी नजर में है इनका कमेंट। कमेंट करने वालों को कितने पैसे दिए हैं तुमने? कमेंट करने वाले को 50 रुपये। ओ तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं। ओ मैडम आपकी औकात है, आपने कभी 10 रुपये किसी को दिए? किसी को जब भूखे को खाना खिलाया? मुझे तो लगता नहीं है मैडम। मुझे ये लगता है आपके कमेंट पढ़कर, आपने किसी के पास अगर एक रोटी भी नहीं होगी ना, रोटी देखी होगी ना, तो मैडम आपने उस रोटी को उठा के खा लिया होगा, लेकिन किसी को कुछ दिया नहीं होगा आपने। ये उसमें की औरत मुझे लग रही थी। आप लोग खुद ही बताइएगा, इन्होंने आप लोगों ने कल कॉमेंट पढ़े थे, गीता मीना गरिमा सिंह और बहुत सारे लोगों ने इनको रिप्लाई करा था, सच बोल मुंह तोड़ और भी थे कई सारे लोग, बहुत सारे लोग थे, निशा दीदी थी और प्रियंका कुमारिया थी और एक इन्हीं मतलब एक पंजाबी थी। मैं भी पंजाबी स्कूल में पढ़ी हूँ, पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं डियर, बहुत अच्छे। वो देखे लंगड़ कराते हैं गरीबों के लिए, वो तुम्हारी तरह नहीं होते, भीख दे रहे हैं। तुम होती तो और कहती हम तो भीख दे रहे हैं मैडम, खिला रहे हैं, हम तो भीख दे रहे हैं। तो ऐसे कोई नहीं आता मैडम, प्यार से खिलाओगे ना लोग जहर भी खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह तो तुम लंगड़ खिलाती। तुम तो जो लोग लंगड़ देते ना उनका भी निवाला छीन के खाने वाले में से हो तुम तो, ठीक है। और भी इन्होंने बहुत सारे कमेंट करे हैं, गीता मीना भी ने इनको बहुत समझाया, निशा अरोरा दीदी ने इनको बहुत समझाया, कुछ भी यार इन्होंने, लेकिन इतनी बदतमीज इतनी वाहियात थी इन्होंने, कितना गालियां सुन ली लोगों से, लेकिन इन्होंने कमेंट करना बंद नहीं करा। फिर मैंने इनको ही रिमूव करना पड़ा मुझे, मैंने रिंगल की बैंड बजा दी, समझती क्या थी अपने आप को। तो मैडम आपने मेरी कोई बैंड नहीं बजाई है, ठीक है, आपके एक तुच्छ से कमेंट करने से मुझ पर कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड नंबर, मुझे यूट्यूब इतनी पावर देता है कि मैं तुम्हें हाइड कर सकती हूँ, ठीक है, फिर तुम क्या कर लोगी, ठीक है। और मैंने इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट का मैंने इनको रिप्लाई करा है। और हाँ मेरे पास एक मैं आपको एक और रिप्लाई कर दूँ, मैं ना हार नहीं मानी हूँ, मैं डरी नहीं हूँ किसी से और ना ही कुछ किया है। मैं इस बार कोर्ट में इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी की पढ़ाई मिस होती है, बहुत कुछ मिस होता है, बहुत। मैं वहाँ पर जाती हूँ ना, जब लोगों को रोता हुआ देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, वो रोते हैं और उनके हस्बैंड खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, तो मेरा पता, अगर मुझे इतनी पावर नहीं मिली है, अगर मुझे इतनी पावर मिल गई होती ना तो उनके दो थप्पड़ लगाती हूँ आदमियों के, और शायद मैं कुछ अच्छा कुछ होती तो शायद मैं उन औरतों को अपने पास रख पाती। मुझे लोगों का दुख नहीं देखा जाता है, ये लोग पता नहीं कैसे लोग ही परेशानी में मजाक बनाने आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मेरे पास मेरे से किसी ने बोला था, दीदी आपका, दीदी ने बोला था तेरा चैनल क्या ग्रो कर गया है, मैं रेस्पेक्ट से बोलती हूँ ना, तो मेरे मुंह से लोगों के लिए रेस्पेक्ट ही निकलती है। तेरा चैनल क्या ग्रो कर गया, तेरी बातें करने का तरीका बदल गया है। तो मेरे बातें करने का तरीका नहीं बदला है मैडम, सिस्टर जो भी हुआ, थोड़ी समझदार हो गई हूँ, कब कौन सा रिप्लाई करना है, कब किसको रिप्लाई करना है, ये सीख गई हूँ मैं इस यूट्यूब पर आकर, और लोगों को देख देख कर सीखी हूँ मैं, मुझे पहले इतनी वो नहीं थी, सीख गई हूँ, अच्छा है सीख गई हूँ, ताकि मेरे भी इन फ्यूचर काम आएगी। लेकिन अभी मैं बहक जाती हूँ, लोगों की हेल्प जल्दी कर देती हूँ, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना दीदी मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। अभी आप लोगों ने 10-10 वीडियो डाली है, 15-15 वीडियो डाली है, डेली आप वीडियो नहीं डालते हो, मैं आप लोगों से बोलूँगी डेली वीडियो डालो, थोड़ी सी मेहनत करो। मेरे चैनल अभी खुद डाउन चल रहा है, मेरे 50 के हो जाने, तो फिर मैं अगर आप लोगों की वीडियो कम्युनिटी पर डालती हूँ ना तो आप लोगों की हेल्प होगी। अभी मैं वीडियो डालूंगी, अभी कम्युनिटी पर कोई हेल्प नहीं होगी, प्लस मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मेरे येलो डॉलर हो जाते हैं, तो जो बन रहे होते हैं वो भी खत्म से हो जाते हैं।
एक ए लिटिल डिजायर है मेरे पास। ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, मुझे पता है कि ये मेरी डेली वीडियो देखते हैं और मुझे कम किसकी हेल्प करनी है इसकी, मैं मुर को आप बताने से नहीं करूंगी, मैं जिसको मुझे करनी है, मुझे मालूम है इनकी हेल्प मुझे करनी है तो मैं कर दूंगी उनकी हेल्प। और वो मुझे मुझे पता है कि ये इंसान मेरी पीछे क्या बोल रहा है, ये इंसान मेरे को दिल से प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उसी की हेल्प करूंगी जो मुझे रियली में लव करता है और जो मेरे रेस्पेक्ट करता है या मेरी बातों को समझता है। और डेली मुझे देखते हैं, गीता मीना है, डेली उनका फर्स्ट कमेंट जाता है मेरे दोनों तीनों चैनलों पर, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूंगी। जाहिर जेवा करके है, वो भी मेरे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत पुरानी है ये लोग। कुसुम बुद्धा है, निशा हो रहा है, उज्मा मजीद है, और भी कई सारे हैं जो मेरे बहुत पुराने पुराने हैं जो कि मुझे अभी तक सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं उन लोगों का भी झिझक मैं बोलती हूँ ना, मैं दिल से चाहती हूँ कि भगवान इनका क्या, मैं जो हेटर था ना जो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं गलत गलत और जो मेरे लिए गंदा सोच रहा है, मैं तो खुद से बोलूंगी ना कि भगवान उनका भला करे। और हाँ एक और बात, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरा मैंने ये कई बार बोला है, मन होता है तो 8-8 दिन नहीं आते, मन होता है तो 5-5 दिन नहीं आते हैं, मन होता है तो डेली आते हैं। हाँ मैं ये बोलूंगी कि वो नहाते यहाँ पर नहीं है, उनका यहाँ पर कुछ भी वैसा कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैं ये, मेरे हस्बैंड मुझे तलाक देना नहीं चाह रहे, वो कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं झुकूं। लेकिन मैं बहुत बार झुक चुकी हूँ, बहुत बार झुक चुकी हूँ, मैंने झुक कर अपनी जॉब छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ दिया। हर कहते हैं ना लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा और कॉम्प्रोमाइज करके मैंने अपनी लाइफ पूरी खत्म कर डाली। मुझे क्या मिला एंड में, कुछ नहीं मिला। मैं तो सभी से ये बोलूंगी, सभी लड़कियों से बोलूंगी, यदि आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर हमें झुकने से हमारा घाटा है तो वहां झुकना बंद कर दो। कहते हैं ना झुकना सही है लेकिन बार बार झुकना खतरनाक होता है, तो मैंने बार बार झुका, वही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो झुकना बंद कर दो, इतना भी मत झुको, झुको एक बार दो बार, मैंने भी बहुत बार झुका, मैं लाइफ खत्म कर ली अपनी। तो बस मैं यही बोलूंगी कि, और तो यही बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को पूरा सम्मान मिले। एक बहू को लेके आया जाता है, किसके लिए लेके आया जाता है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैं निभा सकती हूँ तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉज की होती है, हस्बैंड की होती है, सभी निभाइए। ये नहीं है कि आज सामान खत्म हो गया, आपका मन हो रहा है तो आप लेकर आ रहे हो, आप बेटी को इस चीज की जरूरत है, आपका मन हो रहा है तो लाकर दे रहे हो, नहीं तो नहीं दे रहे हो, हर बात में ये बहाने बना रहे हो, मन हो रहा है तो दे रहे, नहीं हो रहा तो नहीं दे रहे, हर बात में बहाने बना रहे हो। आप लोग मेरी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, लेकिन बेचारी बनकर नहीं, दिल से करिए। आज मैं बहुत रोई हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक, आप लोगों को मेरी बातों से लग रहा होगा, प्लस मेरे यहाँ पर गले में सूजन है इसलिए भी मेरी बातों से लग रहा होगा, और कुछ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाएं, हैप्पी फैमिली बनकर रहें, अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ इन फ्यूचर सभी लोग मेरे हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज को मेरे ब्लॉग में देखें, खुश रहें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी तारीफ करोगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं जो भी, और देखो मेरे पे है ना दिखावा तो बिल्कुल नहीं होता, ना आज होता, ना कल होता, ना परसों होगा, चाहे मैं यूट्यूब पर रहूं चाहे नहीं रहूं। और सबसे मेन बात आ रही है मेरे यूट्यूब छोड़ने की, मेरे को पढ़ाई छोड़ने की, और आगे चल के मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद क्या आप लोग गारंटी लेते हो मुझे कुछ रखा जाएगा। इतना कुछ मैंने फेस करा है, बहुत कुछ मैंने फेस करा है, उसके बाद फिर भी मैं ही झुकूं, क्यों झुकूं, मेरे पापा मम्मी का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मेरी बेटी की भी लाइफ खराब हो रही है, पढ़ाई छूटती है, कोर्ट जाने से सब कुछ होता है, तो फिर मैं ही झुकूं। आज मेरी बेटी अभी अकेले पढ़ रही है यहाँ पर बैठ के। तो बस मैं आप लोगों से बाधाएं कर रही थी, इसी के लिए मैंने दीयू से बोला, दीयू पढ़ रही है, तो दीयू यहाँ पर अकेले पढ़ रही है, मैं आपको दिखा दूंगी। दीयू देखिए, दीयू तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं, अपने विवेक मतलब अपना, अपनी जिम्मेदारी अपने अकॉर्डिंग चले, किसी से पूछ कर अपना काम ना करें। वो अपने विवेक से नहीं चलते, मतलब अपनी बुद्धि से काम नहीं करते, लोगों से पूछ पूछ के वो काम करते हैं, उनको लोग गलत सलाह देते हैं, वो उस बात को मान जाते हैं,
अपनी बुद्धि से वो काम नहीं करते हैं। वो जिस दिन अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना उनकी बेटी से रिलेटेड, ना वो उनसे रिलेटेड रहने वाली है। तो बस मैं यही बोलूंगी, वो अपनी बुद्धि से काम करें। मैं भी और दिया भी उतना ही प्यार करते हैं उन्हें जितना कि सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। हर किसी को अपना हस्बैंड प्यारा होता है, हर किसी को अपनी बेटी प्यारी होती है, बेटी को अपने पापा प्यारे होते हैं। लेकिन वही चीज है ना, वो देखते हैं एटमोसफियर तो वो बच्चों पर गलत असर पड़ता है। तो इसी बात को मैं बोल दूं ना, ये कल मैडम जो बोल रही थी मैंने इस, और ये बात मैंने कई बार भी बोली है अपनी अपनी वीडियोस में, कई बार बोली है, लेकिन बात वही है ना, लोगों को समझ में आती है कुछ नहीं आती है। तो आप लोग पूरी वीडियो वॉच करा करें तभी आप लोगों को समझ में आने वाली है। और लास्ट में बोलूंगी, मुझे बेचारी मत बोलिए, मैं कोई बेचारी लाचारी नहीं हूँ, मैं एक हिम्मत वाली लड़की हूँ जिसने इतना बड़ा फैसला उठाया है। क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत गट्स चाहिए होते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं फेस कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कभी कभी अंदर से इतना टूट जाती हूँ ना कि मैं ही जानती हूँ। बहुत गट्स चाहिए होते हैं इन सब चीजों के लिए। तो चलिए 25 मिनट की वीडियो होगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज मेरी बहुत सारी बातों का रिप्लाई मिल गया होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू।